हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषि यादव। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, साथ में बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है और ये बहुत ही फायदेमंद भी होती है। तो चलिए आज बनाएंगे मूंग की दाल। आज हम बनाते हैं मूंग की दाल। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और टेस्टी भी लगती है और ये बहुत जल्दी ही डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो चलिए, मैंने इसे कम से कम 10 मिनट पहले भिगो के रख लिया है और मैंने इनके हिसाब से मैंने एक कटोरी दाल ली है और इसी से 4 से 5 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। ये तो हमने कुकर में दाल डाल ली है और इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी डालने के बाद हमें इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना इसमें लाल कलर आ जाएगा, इसलिए हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसे गैस पर रख देंगे। इसमें हम ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी। अब इसे हम गैस पर रख के 1 सीटी लगा देंगे और 10 मिनट तक छोड़ देंगे। हमारी दाल पक के तैयार हो जाएगी। चलिए, हमने गैस फिर कुकर रख दिया है, इसे 1 सीटी आने तक पकाते हैं और फिर 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख ली है, इसमें 2 चम्मच हमने घी डाल दिया है। चलिए, तो जब तक हमारे कुकर में से प्रेशर निकलता है तब तक हम अपना तड़का लगा लेते हैं। दाल में तड़का लगाने के लिए हमने 2 इलायची ली है। गैस पे कढ़ाई रख ली है, इसमें हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। जब से हमारा कुकर में से प्रेशर निकलता है तब तक हम मसाला अपना तैयार भूज के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, हमने दाल की तड़का लगाने के लिए 2 लौंग ली हैं, 1 इलायची ली है और 5 से 6 काली मिर्च ली है और 1 तेज़पत्ता लिया है। चलिए, तो अब हम तड़का लगाते हैं। घी गर्म हो गया है तो हम 1/2 चम्मच डालते हैं जीरा, 1/4 चम्मच डालते हैं राई, 7 में डालेंगे हम लौंग, काली मिर्च, इलायची, तेज़पत्ता। चलिए, इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन को थोड़ा सा सेंक लें कुछ ही सेकेंड। इसके बाद डालेंगे हम कटा हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च और इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। 1 कटा हुआ हमने प्याज लिया था, इसे सुनहरा कलर आने तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, हमारी प्याज बहुत अच्छी तरह से भून गई है, इसमें प्यारा सा कलर भी आ गया है। चलिए, इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और साथ में डालेंगे हम 1/4 चम्मच हींग। चलिए, मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाले को भूनने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। चलिए, हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं मसाले भूनने के लिए, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चलिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया और इसमें हम दाल डालते हैं। हमारी दाल भी देखिए पक गई थी, इसे हमने कुकर में से निकाल दिया है। चलिए, हम दाल डाल देते हैं और हम देखिए, हमने इसमें दाल को डाल दिया। दाल गर्म थी इसलिए बहुत जल्दी उबाल भी आ गया है। इसे हमें 2 मिनट तक पकने देते हैं, फिर गैस ऑफ कर देंगे। अगर आपको पतली दाल करना है तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हमारी दाल बहुत अच्छी से तरह से पक गई है, बन के तैयार भी हो गई है।
प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। हमारी दाल पक गई है, अब इसे हम एक प्याले में निकाल लेते हैं। हमने इसे एक प्याले में निकाल लिया है। देखिए कितनी टेस्टी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाने की। इसमें हमने डेकोरेट के लिए ऊपर से धनिया भी डाल दिया है, और धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आने से दाल भी बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू।